हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आई कैन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। आज मैं आपको एक ऐसी बुक बताऊंगा जो एमपी जीके के लिए आप लोगों को एक रामबाण, एक ब्रह्मास्त्र साबित होने वाली है। देखिए, अभी आप लोगों के एक्टिव पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम चल रहे हैं, आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि क्वेश्चंस कुछ अजीब टाइप के आ रहे हैं, डिफिकल्ट लेवल के आ रहे हैं। लेकिन अब पढ़ें तो कहाँ से पढ़ें? अभी तक जो आपको बुक्स में मिल रहा था कि वहाँ से क्वेश्चंस नहीं फिक्स हो रहे हैं, कहीं भी नहीं मिल पा रहे हैं क्वेश्चंस, है ना। तो एक मैंने मार्केट में एक बुक देखी है जो कि अग्रवाल एग्जाम कार्ड के नाम से आती है। देखिए, ये बुक स्पेशली मैं बताना चाहूँगा, इस बुक का लेवल इतना अच्छा है और इसमें क्वेश्चंस डिफरेंट क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। मैंने इससे रिलेटेड एक आपको यहाँ पर व्यक्तित्व वाली क्लास करवाई है, मध्य प्रदेश के व्यक्तित्व। आपने देखा होगा कितने डिफरेंट क्वेश्चन है। बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे थे, सर ये क्वेश्चन बहुत ही अलग हैं और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं। तो डेफिनेटली इस बुक में आपको इजी लेवल से लेकर टफ लेवल तक के सारे क्वेश्चंस मिलेंगे और एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है। तो मैं इस बुक की कुछ खासियत आपको पहले बता देता हूँ। देखिए, क्या होता है कि कोई भी बुक आप पढ़ें, लेकिन ऐसी बुक पढ़ें जहाँ से आपके क्वेश्चंस एग्जाम में आ जाएं एज इट इज़, तो कितना अच्छा होता है। तो ये वही बुक है, अग्रवाल एग्जाम कार्ड की, एमपी की, और एमसीक्यूज बेस्ड है। देखिए, यहाँ पर आप लोगों को स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा, मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पर टॉपिक वाइज दिए गए हैं बिल्कुल एमसीक्यूज। जैसे कि सबसे पहले आपको देखिए, सामान्य ज्ञान में सामान्य परिचय दिया गया है, फिर भौगोलिक स्थिति, संभाग एवं जिले, इस तरीके से चलते आ रहे हैं। और यहाँ पर 31 टॉपिक, मतलब 30 टॉपिक और एक विविध का चैप्टर दिया हुआ है, जिसमें आपके एमपी जीके पूरी तरह कवर हो जाता है। यहाँ पे परिवहन, संचार, उद्योग, पर्यटन, मेले, उत्सव, कला एवं संस्कृति, जनजातीय, शिक्षा, खेल, पुलिस, जेल, प्रसिद्ध व्यक्तित्व, गणना, जनगणना, क्योंकि जनगणना के भी लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम में। तो ये बुक आप ले लीजिए, 10 जगह से इधर उधर से आप लोग जो वीडियोस में इकट्ठा करते रहते हैं वो आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और सबसे अच्छी खासियत है कि यहाँ पर जो भी इस बुक में क्वेश्चंस के आंसर दिए ना, वो आपको उसका आंसर डिटेल में भी बताया गया, उसके बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट बताई गई। सबसे अच्छी खासियत इस बुक की ये है। तो आप लोग देख लीजिए, देखिए यहाँ पर जैसे मैं एक क्वेश्चन पढ़ता हूँ, निम्नलिखित में से कौन सा जिला सागर संभाग के अंतर्गत आता है, एक सिंपल सा क्वेश्चन ले लिया। तो आपसे यहाँ पर ऑप्शन दिए गए थे कि हरदा, सिवनी, पन्ना, गुना। तो यहाँ पर जो पन्ना हो जाएगा, लेकिन पन्ना के बारे में देखिए पूरी चीज़ें डिटेल में बताई गई है। सागर संभाग के अतिरिक्त 5 और जिले हैं, दमोह, छतरपुर, पन्ना, निवाड़ी, टीकमगढ़, और यहाँ पर देखिए गुना ग्वालियर संभाग के अंतर्गत, बाकी ऑप्शंस के भी डिटेल्स दिए गए। तो इस बुक की खासियत यही है, हर एक चैप्टर में आप देखेंगे तो इसकी खासियत है। आप लोग इसको डेफिनेटली ले लीजिए, क्योंकि अब आपके पास कम समय है तो ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक बस इस एक बुक जो है अग्रवाल एग्जाम कार्ड की, इस बुक को आप पढ़िए। और इस राइटर की बुक मुझे बहुत ही पसंद आई, और डेफिनेटली मैं इसकी कुछ और बुक्स सर्च करूँगा मार्केट में अगर वो अवेलेबल है, और मैं आपको और भी सजेस्ट करूँगा कि और कौन कौन सी बुक्स को आपको पढ़ना है, क्योंकि डेफिनेटली जब इसमें एमसीक्यूज है तो इसकी डिटेल वाली बुक भी अवेलेबल होगी। तो जैसे ही मैं उसको सर्च करता हूँ तो मैं उसके बारे में भी आपको रिव्यू बताऊँगा। तो आप लोग देख लीजिए, स्क्रीन पर भी आपको सारी चीज़ें दिख रही हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप बुक्स के बारे में बढ़िया से इसको एक बार ले लीजिए और एक बार में पढ़ लेंगे तो एमसीक्यूज के माध्यम से आप लोग आसानी से कर पाएंगे। इतना ही है कुछ, तो आप बार बार आप बुक्स ना सर्च करें, और ये बहुत अच्छी बुक है, इसको ले लीजिए। आज के लिए इतना ही, मैं यही आपकी हेल्प करना चाह रहा था, थोड़ी जानकारी देना चाह रहा था। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।